तो है सर के सबसे वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें अनबॉक्स और रिव्यू देने वाला हूँ रेड गियर कॉस्मो 7.1 का। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा इसकी बहुत सारी अच्छी बातें और बहुत सारी बुरी बातें। तो गाइस अब मैं ये वीडियो वापस बना रहा हूँ दूसरी बार जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने वीडियो में हग दिया, समझ रहे हो तुम। तो गाइस अब करेंगे अपन अनबॉक्स रेड गियर कॉस्मो 7.1। जैसे कि तुम देख सकते हो ये अपने पास हाथों में डब्बा, और भाई डब्बे को खोलेंगे तो डब्बा बन जाएगा अनडब्बा। बकवास ही पेल रहा हूँ मैं कुछ भी। मैंने गाइस लिया है वाइट एडिशन के अंदर क्योंकि अभी लेटेस्ट वाइट एडिशन चल रहा है और भाई वाइट एडिशन प्यारा भी है जैसे तुम देख सकते हो। तो गाइस जैसे कि डब्बे के अंदर अपन देख सकते हैं सबसे पहले अपने पास हेडफोन आ जाता है ऊपर ही। अब हेडफोन को अपन हटाते हैं इधर और एक सेकेंड बाकी चीज़ें कहाँ गई। हेलो, अच्छा इसके अंदर ही है ये रही उल्टी पड़ी थी ऐसे वाइट दिखानी ना, वाइट के अंदर वाइट डब्बा। तो अभी मेन डब्बे को घेरते हैं और इसके अंदर पहले रेड गियर का स्टिकर आ जाता है जो कि मेरे पास और भी हैं जो किसी काम का नहीं, साइड हटाते हैं। अब उसके बाद में एक आ जाता है इसकी सीडी ड्राइव। और भाई मुझे लग रहा है मैं तुम्हें ना ये इसके बारे में बाद में बताऊंगा। सब ऐसा बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन भाई मैं तुम्हें बताऊंगा। मतलब मुझे पता है तुम्हारे शायद ये तुम्हारे पीसी के अंदर लगे भी ना, लेकिन फिर भी सुन लेना लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और भाई उसके बाद में ये इसकी यूज़र गाइड मैनुअल आ जाती है जो अपने किसी काम की है नहीं, तो भाई इसको भी अपन साइड में गेर देते हैं। एंड उसके बाद में अपना आता है मेन हेडफोन जिसको अपन करते निकालते हैं। और भाई ये देखो इसका है ना, ये मैं तुम्हें बताता हूँ ये इतना मोटा इसलिए नहीं है कि भाई दिखने में कूल लगे, नहीं ये भाई तुम्हें आइसोलेट कर देता है दूसरी दुनिया से। मतलब अगर तुम्हारी मम्मी पीछे से आवाज़ दे रही है ना तुमको, तुम्हें गेम के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बस तुम्हारे थप्पड़ पड़ सकता है बहुत तेज, वो तुम्हारी मम्मी आके लगाएगी। और हाँ वो महसूस भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, बहुत ज़्यादा। और अगर इसकी कुशनिंग की बात करें तो भाई इसका कुशन इतना मोटा है ना, इतना मोटा और प्यारा, बहुत प्यारा कुशन है। अगर तुम अपने सर पे लगाओगे ना, असलियत में मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या, जब भी अपन कोई हेडफोन अपने सर पे लगाते हैं ना, मतलब सर पे कानों पे लगाते हैं ना, तो उससे कान दबते हैं, ठीक है। तो फिर उस पर कुशन मैटर करता है कि कुशन कैसा है, कि वो जितना दब रहा है उस हिसाब से दर्द कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ रहे हो तुम। तो जैसे मेरे पुराने हेडफोन थे मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे पास ये वाले हैं हेडफोन पहले के। और भाई इन हेडफोन के अंदर क्या होता था, जैसे ही मैं ये हेडफोन इधर लगते थे तो थोड़ी देर दर्द नहीं होता था, फिर उसके 2-3 घंटे मतलब शुरू में तो नहीं हुआ, फिर बाद में जैसे जैसे इनका कुशन ख़राब हुआ। ये देखो कुशन इनका इतना पतला सा है ना, और इनका कुशन देखो इतना मोटा है, और ये भी रेड गियर के ही हैं, बहुत सॉफ्ट है कुशन, तो बहुत सॉफ्ट है लेकिन बहुत कम है, समझ रहे हो। तो कम का क्या मतलब है, वो जब पूरा दब के दर्द ही हो रहा है, जब मतलब क्या है कम का। और गाइस जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ इसकी जो ये केबल है इसके देखो, इसकी भी ब्रेडेड केबल है और इसकी 1% भी डैमेज नहीं हुई आज तक, 2-2.5 साल हो गए इस हेडफोन को, ठीक है। और इस केबल के अंदर ना ब्रेडेड है और उसके ऊपर एक और प्लास्टिक की लेयर है जिसकी वजह से भाई तुम्हें खराब ही नहीं हुई। और मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम्हें किसी को मारना वारना है ना ये भाई ऐसे गोल गोल घुमाना और यूँ मारना भाई बंदा चित्त हो जाएगा उधर ही, समझ रहे हो, चेकमेट। और अगर उसके बाद में बात करें अपन इसके हेड रेस्ट की इसकी, तो भाई ये मैं पहले भी यूज़ कर चुका, ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये तुम्हारे सर के हिसाब से अपने आप ऐसे एडजस्ट हो जाएगी ऐसे करके, ऐसे, समझ रहे हो तुम। और भाई ये बहुत प्यारी लगती है, मजाक नहीं कर रहा मैं, मतलब तुम्हारा सर जितना भी है मोटा छोटा पतला खोटा सब उस हिसाब से हो जाएगा। और अगर इसकी स्केलेटन की बात करें मतलब इसकी मेन इसकी, तो भाई ये मेटल का होता है और भाई ये बहुत स्ट्रांग है, ये गाइस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मजाक नहीं कर रहा मैं। और तुम्हारे सर के हिसाब से ये आराम से इतना इतना खुल जाएगा और ये तो और निकलता है, ये तो भाई इतना बड़ा तो किसी का सर नहीं है, मेरा भी सर ठीक ठाक बड़ा है। और अगर अपन बात करें इसके स्पीकर्स की, तो भाई वो आते हैं 7.1 सराउंड सिस्टम के साथ में, मतलब भाई तुम्हें 7 अलग अलग जगहों से आवाज़ें आएगी और भाई वो बहुत क्रेजी सीन हो जाता है। और मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी जैसे मैंने इनको हेडफोन लगाया था, जैसे कि तुम्हारे बेस आता है तो तुम्हें बेस भी सुनाया जाएगा और जैसे तुम्हारे गेम में फुटस्टेप्स। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में, तो मान लो तुम्हें गेम के अंदर गोलियाँ चला रहे हो तो गोलियाँ चलाते वक्त फुटस्टेप्स की आवाज़ कम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो गोलियों की भी आवाज़ आ रही है और उसके बाद, लेकिन इसके अंदर 7.1 का एक अलग ही यूज़ है भाई अच्छा सा, तुम्हें फुटस्टेप्स की आवाज़ अलग आएगी, गोलियों की आवाज़ अलग, मतलब एक साथ ही आएगी भले ही लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा आ रही है, समझ रहे हो, वो दबेगी नहीं उससे तुम्हारी गोलियों से। अब इसकी माइक्रोफोन की बात करें अगर अपन, तो भाई इसका जो माइक्रोफोन आता है वो आता है नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ, मतलब अगर तुम्हारे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है और तुम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो तो भाई वो तुम्हें आवाज़ तुम्हारे दोस्तों को नहीं सुनाई देगी।
एंड गाइस इसकी केबल इतनी लंबी है ना, वो तुम्हारे आराम से तुम्हारा पीसी के मतलब तुम आगे पीछे कहीं चले जाओ, कमरे में घूम लो, बहुत लंबी है, मतलब मजाक कर रहा हूँ, मतलब काफी लंबी है कि तुम्हारे आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड गाइस इसके जो कंट्रोल आता है वो बीच में आता है, जैसे अपन इसको अंदर इन करेंगे ना, ये लाइटें चालू हो जाएगी इसकी वाली भी, इसमें RGB है वो भी चालू हो जाएगी, वो ब्रीथिंग इफेक्ट के साथ भी आती है, और सिंगल कलर के हिसाब से भी अपन कर सकते हैं सेट। एंड गाइज मैं बता दूँ, जैसे इसका इनपुट है ना, तो ये नया वाला वर्जन का है 7.1। अब तो अगर तुम खरीदोगे तो तुम्हें नया वाला ही मिलेगा सबको। ये आता है USB के अंदर, पहले आते थे तीन इनपुट के साथ में, पहले आता था कुछ ऐसा तीन इनपुट आते थे, लेकिन अब सिर्फ एक USB आती है, इससे तीनों चीज़ें हो जाती है गाइज। तो अभी जो तुम आवाज़ सुन रहे हो ना, वो इस वाले माइक से आ रही, समझ रहे हो, इस वाले से। हेलो 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 हेलो, बूम 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 बूम, पर पम 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 बूम। अभी तो मैं ना ये ईयरफोन की इसके माइक्रोफोन की आवाज़ सुन लो, ये इसी से आ रही है, और अभी तो मैं जब एडिट करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि ये कैसी है, ये इसको बीट कर पा रही है या फिर नहीं बीट कर पा रही। मुझे नहीं लगता कि इसको शायद ये बीट कर पाए, बट ये दूसरे हेडफोन्स को तो ऐसे करके बीट कर देगी, समझ रहे हो तुम। अब इसकी बुरी खबर, अब मैं गाइस तुम्हें इसकी कहाँ, हेलो हेलो हेलो, सुनाए ज़रा। अब मैं तुम्हें इसकी बहुत बुरी बुरी चीज़ें बताने वाला हूँ गाइस, अब ध्यान से सुन लेना ये चीज़ें। भाई मैंने तो जगत जात की बहुत सारी वीडियो देख ली, मैंने इनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुना, तो गाइस इन हेडफोन की क्या बीमारी है, वो है ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने नया वाला, पुराना वाला, पिछला वाला, अगला, सारे सॉफ्टवेयर लगा के देख लिए, सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा। तो तुम्हारे जो ये DVD आएगी, जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था, तुम्हारी जो ये DVD आएगी भाई, तुम कैसे, तुम्हारे पुराना लैपटॉप है किसी, तो भाई तुम उसमें लगाना, उसमें से जो तुम्हारे सेटअप तुम कॉपी करोगे उसको अपने PC में डालना और फिर इंस्टॉल करना, मे बी वो तुम्हारा काम कर जाए, वरना काम नहीं करने वाला भाई, नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। और दूसरी चीज़, वैसे सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं, सॉफ्टवेयर में अपन क्या कर सकते हो, तुम इसको इक्वलाइज कर सकते हो, लाइक तुमने क्या क्या कर दिया, बेस बढ़ा दिया, वो कम कर दिया, हिप हॉप, मतलब समझ रहे, इक्वलाइजर चेंज कर दिया तुमने, इक्वलाइजर में कुछ छेड़खानी कर दी ताकि तुम्हें फुटस्टेप या फिर वो कुछ ज़्यादा जाए, लेकिन भाई गेम और ये हेडफोन वाले कंपनी बनाने वाले ऐसे फुद्दू नहीं है, उन्होंने सब पहले सोच रखा है हेडफोन के बारे में, गेम में बेस के बारे में, जो आता है गन के साउंड से, भाई सही में गन के साउंड से बेस होता है लेकिन पता नहीं चलता नॉर्मली, और उसके बाद में तुम्हारे फुटस्टेप, तो भाई वो उन्होंने ऑलरेडी ऐसा ऑप्टिमाइज कर रखा है कि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट वो आउटपुट देगा। अगर तुम उसमें कुछ भी कारस्तानी करोगे तो भाई वो गंदा इफेक्ट पड़ेगा और तुम्हारे भाई क्या कहते हैं उसको, आवाज़ कहीं ना कहीं दबेगी या फिर कम होगी या फिर कुछ ना कुछ उल्टा ही होगा, समझ रहे हो, ये बेस्ट से बेस्ट होने वाला। तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है भी और नहीं भी, कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब हो तो बेटर है। एंड और दूसरी चीज़ जो बुरी लगी मेरे को, तुमने लगा रखा है तो भाई ऐसे आवाज़ अजीब सी आवाज़ आएगी, और तुम जैसे माइक्रोफोन बंद करोगे तो और ज़्यादा आवाज़ आएगी, पता नहीं क्यों भाई, मुझे समझ नहीं आया 1% भी, ये कैसे हो सकता है। इन दो पॉइंटों को हटा के बात करें तो भाई 10/10 रेटिंग ले लो, जाओ भाई ऐश करो, लेकिन अगर इन दो पॉइंटों को लेते तो भाई मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा 9/10। पता नहीं क्यों ये सॉफ्टवेयर की क्यों दिक्कत आ रही है, नहीं आनी चाहिए। और ये वाली दूसरी चीज़ जो इसकी आवाज़ है वो मतलब नहीं आ रही है बट आ भी रही है, कुछ कुछ ऐसा सीन है। तो गाइज अब फाइनल बात करते हैं, क्या तुम्हें ये हेडफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ तुम ये हेडफोन ले लो, क्योंकि इस बजट और प्राइस के हिसाब से तुम्हें और कोई हेडफोन मार्केट में नहीं मिलने वाला, तो गो फॉर इट।